हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक गोभी और टमाटर की, केवल पास हो उसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं, सब्ज़ी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने टमाटर के इसके साथ मिलाया है मिर्च पाउडर 2 चम्मच के करीब है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाया है। हल्दी पाउडर के साथ साथ 2 से 3 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर मिलाएँ और 1 चम्मच के करीब आप इसमें नमक मिलाएं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब नमक मिल जाए तो इन सब मसालों में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक मिक्सर तैयार कर लेंगे, पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पेस्ट ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें राई और जीरे का सिंपल सा तड़का लगाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ भी झंझट नहीं करना है, सिंपल सा राई और जीरे का तड़का लगाना है। मैंने कोई इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किया है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, राई और जीरे का तड़का, जब राई और जीरा तड़क जाए तो इसमें मैंने 2 हरी मिर्च जो पहले से ही काट कर रखी हुई है वो हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हरी मिर्च लगभग थोड़ी बहुत फ्राई हो चुकी है, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। अब इसमें जो टमाटर का वो मसाले का टमाटर का पेस्ट तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे और इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल बाहर नहीं आ जाए और एक दानेदार पेस्ट बनकर तैयार नहीं हो जाए। इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, टमाटर का पेस्ट एकदम बनकर तैयार है, मसाला हमारा बनकर तैयार है, दानेदार हो चुका है और तेल भी बाहर आ चुका है। तो इसमें हमारी काटी हुई जो हमने गोभी काट कर रखी है वो इसमें ऐड कर देंगे। गोभी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से गोभी के अंदर चला जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये रेसिपी आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल सी सब्जी है, ज़्यादा मसाले नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाला है। पानी डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले, पानी को अच्छे से हिला ले और 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएं मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और अब चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे ये सब्ज़ी इसी तरीके से थोड़ी सी पानी वाली ऐसी ही पसंद है। आप चाहे तो इसका पानी सुखा सकती हैं। इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप सूखी बनाना चाहे तो वैसे भी बना सकती हैं। बिल्कुल कम मसालों में, केवल गोभी के साथ, टमाटर के साथ ये सब्ज़ी मैंने बनाई है। आप इसे पराठे पूड़ी के साथ खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।